गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको वाहनों में लगे लेड एसिड बैटरी का रिवीजन कराऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे लेड एसिड बैटरी किसे कहते हैं, लेड एसिड बैटरी का सिद्धांत क्या है, लेड एसिड बैटरी क्या कार्य करती है, लेड एसिड बैटरी की बनावट किस प्रकार से होती है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, लेड एसिड बैटरी में क्या क्या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तथा इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या बरतने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेड एसिड बैटरी। वाहनों में जो हम बैटरी प्रयोग करते हैं उसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेटें हम प्रयोग करते हैं वो लेड की होती हैं और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है यानी इसको हम H2SO4 कहते हैं वो शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसलिए इसका नाम लेड एसिड बैटरी है। देखते हैं लेड एसिड बैटरी का सिद्धांत। यह इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखते हैं लेड एसिड बैटरी के कार्य। बैटरी यह न केवल वाहन को क्रैंक करने के लिए बल्कि पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम और इंजेक्शन सिस्टम को भी करंट पहुंचाती है। इसके साथ ही वाहनों में लगे हॉर्न सिस्टम, वाइपर सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम तथा अन्य जो एक्सेसरीज हैं, पावर विंडो, पावर डोर लॉक या फिर इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन यानी बैटरी की बनावट। यह आपको एक लेड एसिड बैटरी दिखाई गई है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैटरी बॉक्स। एक बॉक्स है जो हार्ड रबर का बना होता है, इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है जिसको बैटरी कवर कहते हैं और कवर के बाद इसको सील किया जाता है ताकि इसमें से कोई लीकेज ना हो। बैटरी के अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, ये जैसे कि आपको कट सेक्शन दिखाया गया है, इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक सेल होता है। सेल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट जो आपस में सेपरेटर के द्वारा जुड़ी रहती है। ये आपको सेपरेटर दिखाए गए हैं, सेपरेटर जो कि लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं और दोनों प्लेटों को आपस में सेपरेट करके रखते हैं। पॉजिटिव प्लेट का जो रंग होता है वो चॉकलेटी ब्राउन और नेगेटिव का जो रंग होता है वो स्लेटी होता है। पॉजिटिव प्लेट में लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 और नेगेटिव प्लेट में लेड यानी Pb रहता है। सारे नेगेटिव प्लेटों को आपस में एक पोस्ट स्ट्रक के द्वारा नेगेटिव टेंगल से जोड़ दिया जाता है और सारे या सभी जो पॉजिटिव प्लेटें हैं इनको पोस्ट स्ट्रक के द्वारा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के मुकाबले मोटाई में थोड़ा मोटा होता है, या ये कहें कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के मुकाबले मोटाई में थोड़ा पतला होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस का चिन्ह लिखा रहता है और नेगेटिव टर्मिनल में माइनस का चिन्ह बना रहता है या लिखा रहता है। बैटरी में ही इसकी कैपेसिटी लिखी रहती है, जैसे यहां पर लिखा गया है 12 वोल्ट 75 AH, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम H2SO4 कहते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.280 होती है और इसे हाइड्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। एक सेल की क्षमता 2.1 वोल्ट। इस प्रकार से अगर 12 वोल्ट की बैटरी हो तो उसकी जो क्षमता होती है वो 12.6 वोल्ट होती है। अब देखते हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने अभी बताया कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें रहती हैं। पॉजिटिव प्लेट मैंने बताया था PbO2 और नेगेटिव में Pb। तो यहां देखते हैं चार्जिंग के दौरान PbO2 यानी पॉजिटिव है प्लस Pb ये नेगेटिव है प्लस 2H2SO4 प्लस Q, Q का मतलब होता है इसमें ऊष्मा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो
तो उस दौरान जो रिएक्शन होता है, देखिए PbSO4, ये SO4 दो भाग में टूटता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ जुड़ जाता है, तो डिस्चार्ज के समय PbSO4 पॉजिटिव है प्लस PbSO4 नेगेटिव प्लस 2S2O, इस प्रकार से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। बैटरी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने अभी आपको बताया था जो 1280 या 1.280 होती है और जिसे हाइड्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। देखते हैं कैपेसिटी, प्रत्येक बैटरी में ये लिखा रहता है, यहां पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट और 75 AH। 12 वोल्ट का मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, एक्चुअल ये 12.6 वोल्ट होती है, लेकिन 75 AH क्या है? AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, ये इसकी पावर भी कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई भी सर्किट, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है 10 एम्पियर करंट ले रहा है, कोई भी सर्किट 10 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इसका मतलब 75 AH अपॉन 10 यानी 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी 7.5 घंटे तक हमारी बैटरी चल सकती है अगर कोई सर्किट 10 एम्पियर लगातार करंट देता है तो। यह हो गया इसकी कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं 75 AH, किसी में 90 AH लिखा रहता है, यानी बैटरी के हिसाब से किसी में कम किसी में ज्यादा रहता है। अब देखते हैं मेंटेनेंस, बैटरी की समय समय पर हमें देखभाल करनी चाहिए, इसको बाहर से साफ कपड़े से या सूती कपड़े से अच्छी प्रकार पोंछ लेना चाहिए, और इसके जो टर्मिनल है विशेषतौर पर इनमें सल्फ्यूशन जमा हो जाता है जिसको गर्म पानी से धो देना चाहिए, और इन सल्फ्यूशन में एक पेट्रोलियम जेली आती है वो लगा देना चाहिए। उसके बाद ये जो वेंट प्लग है, ये वेंट प्लग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताता हूं। वेंट प्लग इनको फिलर कैप भी कहते हैं, इनको खोलकर इसी के द्वारा सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एक लेवल तक डाला जाता है। वेंट प्लग में एक बारीक सुराख होता है क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उस दौरान बैटरी फटे नहीं तो इन वेंट प्लग के होल के द्वारा वो गैसें बाहर निकाल दी जाती हैं, और बेसिकली बैटरी चार्जिंग के दौरान भी ये वेंट प्लग खोल दिए जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस में हम देखा कि जो ये वेंट प्लग है इनके जो होल है वो कई बार बंद हो जाते हैं, इसलिए इनको साफ करते रहना चाहिए ताकि बैटरी फटे नहीं और उसकी लाइफ बनी रहे, और समय समय पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट या फिर डिस्टिल्ड वाटर डालते रहना चाहिए, इस प्रकार से बैटरी की देखभाल करनी चाहिए। अब है प्रिकॉशंस, सावधानियां। बैटरी का प्रयोग करते समय एक सबसे बड़ी सावधानी कि अगर गलती से इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में या हमारे कपड़ों में गिर जाता है तो हमें तुरंत उस शरीर के अंग को या कपड़े को चलते पानी के नीचे कम से कम 10-15 मिनट तक डुबो देना चाहिए या भिगा देना चाहिए, नहीं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे कपड़े को डैमेज कर देगा, या गलती से अगर आंख में चला गया तो आंख को डैमेज कर देगा, इसलिए इसमें बहुत बड़ी सावधानी रखना अति आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बैटरी के कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।